खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड पहली बार बना विश्व चैंपियन, 23 साल बाद मिला क्रिकेट को नया चैंपियन। न्यूजीलैंड के 241 रन के जवाब में भी 241 रन ही बना पाई इंग्लैंड। सुपर ओवर में इंग्लैंड के 15 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड भी 15 रन ही बना पाई। मैच और सुपर ओवर दोनों टाई होने के बाद नियमानुसार ज्यादा बाउंड्री मारने की वजह से इंग्लैंड विजेता बना। 50 ओवर के विश्व कप के इतिहास में पहली बार सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर ने फाइनल सुपर फाइनल बना दिया। इंग्लैंड के विश्व चैंपियन बनने के सूत्रधार रहे बेन स्टोक्स, नाबाद 84 रन बनाने वाले स्टोक्स फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। टूर्नामेंट में शानदार कप्तानी और बल्ले से 578 रन बनाने वाले केन विलियमसन बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सचिन तेंदुलकर ने ट्रॉफी दी। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को खराब फील्डिंग का खामियाजा उठाना पड़ा। ओवर थ्रो में इंग्लैंड को बाउंड्री मिल गई। इंग्लैंड के लिए मुश्किल हालात में बटलर ने 59 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। बटलर के शतकीय साझेदारी कब पारी को संभाला। न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाज ट्रेट बोल्ट फाइनल में रहे बेअसर। 10 ओवर में बिना विकेट लिए गवाए 67 रन। न्यूजीलैंड के लिए ओपनर हेनरी निकोलसन ने 55 रनों की पारी खेली। टॉम लेथम ने भी महत्वपूर्ण 47 रन जोड़े। इंग्लैंड के लिए वोक्स और प्लिंकेट ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने 3-3 विकेट झटके। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर इंग्लैंड को बधाई दी। न्यूजीलैंड के प्रदर्शन की भी तारीफ की। सचिन ने स्टोक्स और विलियमसन की तारीफ की। सर्बिया की टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को 5 सेटों तक चले मुकाबले में हराकर विंबलडन चैंपियन बन गए हैं। जोकोविच ने 5वीं बार खिताब जीता। विंबलडन का फाइनल मुकाबला 4 घंटे 87 मिनट तक चला। अकेले 5वें सेट में करीब 2 घंटे का था। जोकोविच ने मुकाबला 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 और 7-6 से जीत लिया। जोकोविच ने 3वीं बार विंबलडन फाइनल में स्विट्जरलैंड के फेडरर को हराया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने स्वीडन के बोनबोर्ग के 5 विंबलडन जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण रोक दिया गया। 10 दिन बाद प्रक्षेपण की नई तारीख का ऐलान होगा। लॉन्चिंग से 1 घंटे पहले तकनीकी खराबी आने की वजह से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण रोका गया। इससे पहले सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई चंद्रयान 2 की कलाकृति इंडिया मिशन 2 मून जय हो का संदेश दिया। गुजरात में अहमदाबाद में बने कांकरिया एडवेंचर पार्क में झूला टूटने से 3 लोगों की मौत, 31 से ज्यादा लोग घायल। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद 4 मंजिला इमारत गिरने से हुई आर्मी के 6 जवान समेत 7 लोगों की मौत। मलबे में अब भी कई जवान और सिविलियंस के दबे होने की आशंका। बिहार में बारिश से बाढ़ के हालात, अब तक 13 से ज्यादा लोगों की मौत, 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार में 6 जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है कोसी, गंडक, लखनदेई, बागमती नदियां उफान पर। बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कई नदियां। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार के मधुबनी में बाढ़ से हालत खराब, सड़क, पुल और रेलवे ट्रैक डूबे। पीड़ितों का जायजा लेने पहुंचे सांसद रामप्रीत मंडल पर नाराज लोगों ने हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर निकले सांसद। बिहार के अररिया में बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ पीड़ित का हाल जानने पहुंचे सांसद प्रदीप सिंह के खिलाफ नारेबाजी। मदद न मिलने पर नाराज है लोग। बिहार के रक्सौल में तिलावे नदी पर बांध टूटा, पानी हाईवे तक पहुंचा। तालाब बने हाईवे के बीच से गुजरने को शिकार हादसे का शिकार हो रहे हैं। बिहार के दरभंगा में नदियों के कटाव होने के बाद 9 ब्लॉकों में बाढ़ का पानी भरा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई। बिहार के मोतिहारी में भी 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का कहर, अचानक पानी बढ़ने से हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में। पीड़ित परिवारों का राहत सामग्री पहुंचाना जा रहा। बिहार के समस्तीपुर में गंडक नदी में पानी बढ़ने से हालत गंभीर, 10 में से 7 ब्लॉक बाढ़ से प्रभावित। बिहार के समस्तीपुर में 10 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत, गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस को बंधक बनाया।
बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसा, ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर है लोग। सुपौल में बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया, हाईवे पर टायर रखकर जाम किया, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का पानी पुलिस लाइन में घुसा, जवानों की बैरिक 2 फीट तक पानी में घिरा, गंदे पानी के बीच गुजर कर जाने को मजबूर हैं पुलिस के जवान। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी लखनदेई और बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर हैं, दर्जन भर से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार की सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी पार करने के दौरान ट्रैक्टर पलटा, हादसे के बाद 5 लोग लापता, राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के समस्तीपुर में घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर अचानक खतरे के निशान के पार, 350 से ज्यादा परिवारों के 1200 लोग टापू में फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी के बस्ती जिले में बीड़ी बांध पर सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, दर्जनों गांवों पर डूबने का खतरा, अलर्ट जारी। यूपी के बिजनौर में बारिश की वजह से NH-119 पर जलभराव से लोग परेशान, यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पुल के पास दर्जनों गांवों में पानी भरा। यूपी के देवरिया में पानी की तेज धारा से सड़क को नुकसान, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरा। यूपी के जौनपुर में गोमती नदी में छलांग लगाते युवकों की स्टंटबाजी की तस्वीरें आई सामने, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के बहराइच में सरयू नदी में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत, दोनों के शव बरामद। यूपी के बलरामपुर में बारिश से नदियां उफान पर, दर्जनों गांवों में बाढ़ में डूबने से खतरा। यूपी के बनारस में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का पलायन जारी। यूपी के मिर्जापुर में डीएम ने खुद संभाली सफाई अभियान की कमान, तालाब में घुसकर टीम के साथ मलबे को साफ कराया। असम में 28 जिलों में आई बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या 11 हुई, करीब 26.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बारपेटा, मोरीगांव और धुबरी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम के चिरांग में बाढ़ के हालात की तस्वीरें आई सामने, बीते कई दिनों से हो रही है लगातार बारिश, नदियों का पानी निचले इलाकों में घुस गया है, कई लोग फंसे हैं। अगरतला में हावड़ा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पश्चिमी त्रिपुरा और खोवाई जिले में बाढ़ का खतरा। एमपी के मंडला में सड़क निर्माण के लिए खेत में खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 सगी बहनों समेत 4 बच्चों की मौत, प्रशासन ने किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। एमपी के खंडवा में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर हुई मौत, लोगों ने बचाव दल की देरी पहुंचने का आरोप लगाया। एमपी के दमोह में हट्टा में सड़क न होने के चलते गाँव वालों ने विधायक के सामने प्रदर्शन किया, परेशान न होकर खुद बीजेपी विधायक ने SDM दफ्तर में पहुंचकर प्रदर्शन कर दिया। राजस्थान के जोधपुर में बारिश न होने से परेशान लोगों ने पूजा पाठ कर भगवान इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में 2 फीट पानी भर गया है, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में लगातार हो रही लैंडस्लाइड के बाद रुकी केदारनाथ यात्रा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, नाले में गिरने से 1 शख्स की मौत की खबर। मुंबई से सटे ठाणे में 2 दिन पहले नदी में नहाने या दौरान युवकों के शव मिले हैं। नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद हुई 60 लोगों की मौत, 38 से ज्यादा लोग घायल, राजधानी काठमांडू में राहत और बचाव कार्य जारी। नेपाल में पिछले 1 हफ्ते में हो रही बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में छोड़े गए पानी से राठौड़ जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लोगों के घरों में 8 से 9 फीट तक पानी भरा है। भारत के आगे झुका पाकिस्तान, बिना वीजा हर रोज 5,000 श्रद्धालु जा सकेंगे करतारपुर, पाकिस्तान नहीं होने देगा भारत विरोधी गतिविधियां। वार्ता में तय हुआ है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा मिलेगी करतारपुर साहिब के दर्शन की इजाजत, भारत ने पाकिस्तान को खालिस्तान के नाम पर विरोधी गतिविधि करने वालों के खिलाफ डोजियर भी सौंपा है। साक्षी और अजितेश के प्रेम विवाह में नया मोड़ आ गया है, बीजेपी के ही एक विधायक श्याम बिहारी के युवक से चैटिंग वायरल है, साक्षी के पिता राजेश मिश्रा के खिलाफ साजिश का आरोप। बरेली में बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, पिता से सुरक्षा देने की मांग। साक्षी के पति अजितेश की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हैं, तस्वीरों में अवैध हथियारों के साथ अजितेश दिख रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का साक्षी मिश्रा पर विवादित बयान, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर कहा भविष्य में उन्हें पश्चाताप होगा।
यूपी के अमरोहा में अनामिका नाम की लड़की का वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल है। लड़की ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की मांग की है। लड़के के पिता ने दर्ज कराया है लड़के के खिलाफ मुकदमा। वीडियो को लेकर लड़की के पिता का आरोप है कि ये वीडियो जबरन बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बड़े नेताओं पर चल रहे मुकदमे की आज जानकारी लेगा सुप्रीम कोर्ट। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेताओं पर मुकदमा चल रहा है। लोकसभा में आज सड़क परिवहन मंत्रालय के बजट पर चर्चा होनी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चर्चा का जवाब देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में विजय मशाल जलाई। द्रास में बने करगिल युद्ध स्मारक भेजे। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश के आज 50 दिन पूरे हुए, अब तक नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान नहीं। राहुल गांधी को मंत्री पद से इस्तीफा भेजकर विपक्षियों के निशाने पर आए नवजोत सिंह सिद्धू। हरसिमरत कौर ने कहा राहुल गांधी को सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार नहीं। पंजाब सरकार के मंत्रियों सुखविंदर रंधावा और तृप्त रंजिंदर बाजवा ने भी सिद्धू को निशाने पर लिया। कहा सिद्धू को इस्तीफा देना है तो कैप्टन अमरिंदर को दें। नवजोत सिद्धू ने बीती 10 जुलाई को पंजाब कैबिनेट में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा राहुल गांधी को दिया है। महीने भर पहले उन्होंने इसे सार्वजनिक किया है, लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर को अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कर्नाटक में बागी विधायकों को बनाने की कोशिश में असफल कांग्रेसी, बागी विधायकों की संख्या 16 पहुंची। मुंबई में मौजूद हैं सभी बागी। पूर्व सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद इस्तीफा देने वाले, इनकार करने वाले विधायक नागराज की पलटे, दोबारा बागी विधायकों के साथ मुंबई में दिखे। कर्नाटक के बागी कांग्रेस विधायकों ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सभी विधायक इस्तीफा देंगे। कर्नाटक में भीषण सूखे के हालात के बीच बेंगलुरु में रिजॉर्ट में क्रिकेट खेलते दिखे बीजेपी के विधायक। बीएल संतोष को रामलाल की जगह बीजेपी का नया संगठन महामंत्री बनाया गया। अब तक संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का विवादित बयान, मस्जिदों को जिहाद की जगह बना दी गई है। प्रयागराज के भदेली में गौशाला में 5 गायों की मौत, बारिश में भीगकर मौत की आशंका। कई जिलों में गायों की मौत के बाद जागी योगी सरकार, मिर्जापुर में 2 अधिकारी सस्पेंड, डीएम को नोटिस। मुंबई के गोरेगांव में नाले में गिरे बच्चे दिव्यांश के परिवार ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी पर लगाए नाकामयाबी का आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के महमूदपुर गांव में महिला प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बागपुर में छेड़छाड़ के दौरान आरोपी इमाम की दाढ़ी नोचने के बाद मारपीट और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के लखनऊ में सेलिब्रिटी अपार्टमेंट के कोस्टगार्ड टीम के सदस्य रह चुकी स्नेहा कात्यार्थ की संदिग्ध मौत, सीसीटीवी में जांच में जुटी पुलिस।